हेलो आदाब नमस्कार जय जनेन केम छो दोस्तों, आज हम बना रहे हैं पिज़्ज़ा सॉस। पिज़्ज़ा तो सबको पसंद है और आई एम श्योर आपने घर पे भी ज़रूर बनाने की कोशिश की होगी, पर मार्केट जैसी टेस्ट पिज़्ज़ा में नहीं आती क्योंकि मार्केट में स्पेशल तरीके के पिज़्ज़ा सॉसेस यूज़ होते हैं। वैसे ये सॉसेस हमें रेडीमेड भी मिलते हैं बट इसमें खूब सारे प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। तो चलिए बनाते हैं खाना विद खुशबू। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जिसके लिए वीडियो के नीचे नज़र आ रहे इस सब्सक्राइब बटन को दबाइए और इसके बाद आपको नज़र आएगा एक बेल आइकन, इस बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इस चैनल के आने वाले सारे वीडियोस की जानकारी आपको मिले सबसे पहले। सॉस बनाने के लिए हम जो टमाटर यूज़ करेंगे उसके बेस पे इस तरीके से हम फोक फिक्स कर देंगे और इसे हम गैस पे मीडियम आँच पे सेक लेंगे। जैसे हम भरते के लिए बैंगन भूनते हैं उसी तरीके से इस टमाटर को मीडियम गैस पे सेक लेंगे। सभी तरफ से अच्छी तरीके से टमाटर भुन जाए इस तरीके से हम इसे घुमा घुमा के टमाटर को सेक लेंगे अच्छे से। जब आपको टमाटर के ऊपर की स्किन थोड़ी सी फटी हुई नज़र आने लगे तो टमाटर भुन चुका है। इसी तरीके से हम प्याज में भी एक फोर्क फंसा के इसे गैस पर सेक लेंगे। प्याज को भी हमें ऐसे ही सब तरफ से घुमा के अच्छे से सेक लेना है ताकि अंदर तक प्याज आपको नरम फील होने लग जाएगा। सेकने के कारण इसमें जो एक स्मोकी सा फ्लेवर आता है इसी से ये पिज्जा सॉस स्मोकी पिज्जा सॉस बनता है। ये हमारे प्याज और टमाटर सिक गए हैं। अब हम टमाटर को चॉप कर लेंगे और इसके अंदर की बीज अलग कर देंगे। काफी गर्म है तो आप सावधानी से इसे कीजिए। इसी तरीके से हमें प्याज भी चॉप कर लेना है और अब हम प्याज और टमाटर जो चॉप कर लिया है हमारा सिका हुआ प्याज टमाटर इसे ग्राइंड कर लेंगे, अच्छी स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। ये हमारा ग्राइंड हो गया है मिक्सचर। अब हम एक पैन में तेल गरम कर लेते हैं। एक से डेढ़ बड़ा चम्मच तेल हमने ले लिया है और इसमें हम डालेंगे दो चम्मच कटा हुआ लहसुन। जब लहसुन अच्छे से स्प्लटर होने लग जाए, सिक जाए, तो इसमें हमने ग्राइंड किया हुआ पेस्ट डाल लेंगे और इसे भी हम अच्छे से चला के सेक लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे लाल मिर्च पाउडर, दो चम्मच लाल मिर्च पाउडर। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा लाल मिर्च पाउडर ले सकते हैं। नमक स्वाद अनुसार और ऑरिगैनो मिक्स जो कि एक स्पाइसेस मिक्स अवेलेबल है पिज़्ज़ास के लिए। एक चम्मच टोमेटो केचप, और एक चम्मच बटर। बटर की जगह आप घर का घी भी यूज़ कर सकते हैं। 5 मिनट के लिए इसे कुक होने के लिए छोड़ देते हैं। 5 मिनट बाद आप देखेंगे कि इसमें तेल अलग से निकलने लग गया है, इसका मतलब अब ये सॉस हमारा बनके रेडी है। आप इसे ठंडा करके यूज़ कर सकते हैं या फिर आप फ्रिज में इसे स्टोर करके 2-3 दिन के लिए स्टोर भी कर सकते हैं और इसे बेस पे लगा के फिर वेजिटेबल्स और चीज़ के साथ अपना पिज़्ज़ा बनाइए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए कि पिज़्ज़ा कैसा बना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए खाना विद खुशबू ताकि आपको इस चैनल की सारी अपडेट्स मिले सबसे पहले।